बहुत बढ़िया लगल प्रियंका के गीत। और मनोज जी इनका के हमरा तरफ से नंबर है कुल 36 अंक। 36 तेरा के कल्पना जी गाना रहा सोचत नहीं पता ना गा पाए कि ना यहाँ की तरह लेकिन न्याय कर सके कि ना पता। प्रियंका तोहरा गाना सुन के हमरा दिल के हर भाव कहता बुझाता ऐसन कि तोहरे गला से सुर के दरिया बहता। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने गाया है तो इस पे कल्पना दिखे, ऐसी एकदम ज़रूरी नहीं है, इस पे प्रियंका दिखनी चाहिए और प्रियंका मुझे दिखी। बाकी मालिनी जी कुछ कहल चाहत? भाव बहुत सुंदर था, बहुत ही मन से गाया प्रियंका ने, लेकिन बहुत जगह पे सुर गया, कम से कम 6-7 जगह पे, लैंडिंग नोट से लेकर के कई जगह पे सुर की। हो सकता है उसका कारण एक घबराहट रही हो, जो कि इन्होंने बताया कि सामने बैठे थे तो इसलिए गाने में, लेकिन आपकी टोनल क्वालिटी इतनी अच्छी है, प्लेबैक के लिए बिल्कुल बनी हुई आपकी आवाज़ है, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, लेकिन सुर संग्राम है इसलिए सुर पर ज़रूर ध्यान दें। सुर के थोड़ा और संभाल के भी 36 नंबर और 36 नंबर लेके जाके अपने बिहार के टीम में शामिल हो जा। जोरदार ताली बजा के प्रियंका के स्वागत करी जा। और आज राजा विश्व सुर संग्राम में जहाँ लड़की लोग कल्पना जी के गीत गई हैं, लड़का लोगन के मनोज तिवारी के गीत गावल बाध्यता बाटे। और एह घमासान के हम थोड़ा सा विश्राम देव, आप लोगन से थोड़ी देर में मिलतनी, ताकि यह महासंग्राम के थोड़ा पावर दिहल जा सके, थोड़ा लोगन के दीवाना बनावल जा सके। आप लोग देखत रही जाइए घमासान, हम जल्दी आ रहल बने लेके वापस राजा बिस्किट सुर संग। रीमा के गाना सुन के ऐसा लागल कि दू गो कल्पना। सुर संग्राम सामने बाटे, ना तो चली लाठी ना तो तलवार, चली सिर्फ सुर के धार, राजा बिस्किट सुर संग्राम दीवाना बना दे। दीवाना बनावे खातिर तैयार बने अब हमारे उत्तर प्रदेश के योद्धा, लेकिन एकरा से पहले कि हम अपने उत्तर प्रदेश के योद्धा बाबा विश्वनाथ के नगरी आलोक पांडे के तरफ चली, एगो चिट्ठी आयल बा छपरा से। छपरा के मंजूर भाई पूछले बड़े कि हमरा बड़ी दिन के बाद पता चलल कि कल्पना जी आसाम के रह वाली हैं, और आसाम के हो के वहाँ के भोजपुरी संगीत में इतना छा गईली, तो हमनी के यह टॉपिक पे कल्पना जी से कुछ सुनल चाहतनी जा, कुछ पूछल चाहतनी जा कि ई प्रेम कैसे, यात्रा कैसे रवा मंजूर भाई के संबोधित कर सकेला। मनोज जी मैं करीब 22-23 भाषाओं में अलग अलग फिल्म के सॉन्ग्स में गाती हूँ, लेकिन जो एक क्या बोलूँ मैं इसे, जो एक नशा है भोजपुरी मेरे लिए, और जैसे धीरे 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 मैं अंदर चली गई पिछले 8 साल से, और जितने मैं आगे जा रही हूँ उतना ही मुझे जो कल्चर है, जैसे मुझे पता नहीं था पहले कि देवी गीत क्या होता है, विश्वास कीजिए मैं आसाम की हूँ, लेकिन मुझे कामाख्या माँ की जो महिमा है उसके बारे में इतना इम्पोर्टेंस मालूम नहीं था पहले, लेकिन जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आई, देवी गीत गाई, कांवर भजन गाए, उसके बाद कामाख्या माँ की भी महिमा जो कितना इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर लोग इतने धार्मिक है, और क्या बोलूँ, घर घर में मैं गई गाँव के, बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ। हम बुला रहल बानी बाबा विश्वनाथ के गो सेवक आलोक पांडे गोपाल के, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। आलोक जी गीत गई हैं हमनी के गावल, कौन गीत हो?